सिरमौर जिला में 71वां गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक चौगान मैदान में धूमधाम से मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने की। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने तिरंगा फहराकर भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में पुलिस होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस व स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज उन वीर सपूतों को याद करना आवश्यक है जिनकी बदौलत देश को आज़ादी मिल पाई थी। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने में हिमाचल के वीर सपूतों का अहम योगदान रहा है। यहाँ के वीरों ने हर आंदोलन में भूमिका निभाई है। हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि मौजूदा हिमाचल सरकार प्रदेश के विकास को लेकर गंभीर है और 2 साल के कार्यकाल में कई विकासात्मक कार्य मौजूदा जयराम सरकार ने किए हैं। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ तथा सबके खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। आज पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी इस दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने संविधान को अपनाया तथा भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना था। संविधान सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। लक्ष्य और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर विचार करने के लिए ये महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले मैं उन सभी महान व्यक्तियों को स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। मैं ऐसे सभी जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस देश की रक्षा के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी थी। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया और 25 जनवरी 1971 को देश का 18वां पूर्ण राज्य बना। हमारे प्रदेश ने विकास के सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।